पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोहरा किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों की फसलों पर खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए कोहरे से फसलों के बचाव का उपाय सुझाया है। किसान छोटा सा उपाय कर अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं और कोहरे से फसलों का बचाव हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक विकास मलिक ने बताया कि इन दिनों लगातार कोहरा पड़ता है, जिससे फसलों को काफी नुकसान होता है। फसलों में कई तरह की बीमारी और खतरा बढ़ जाता है। धूप का कम निकलना और कोहरे का अधिक पड़ना फसलों को खराब करने लगता है। लंबे समय तक कोहरे का प्रभाव फसल पर रहने से फसल की ग्रोथ कम हो जाती है और उसमें फंगस की बीमारी फैलने लगती है, जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है। किसान छोटे से उपाय से कोहरे से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक विकास मलिक ने बताया कि आलू, सरसों, गेहूं व अन्य फसलों को कोहरे से सबसे अधिक नुकसान होता है। बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में सुबह के समय इन फसलों को 2-3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, जिससे कोहरे का प्रभाव फसल पर ना पड़े और फसल की अच्छी पैदावार हो सके, जिससे किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। वहीं किसी भी तरह की फसल संबंधी समस्या को लेकर खेकड़ा कृषि विज्ञान केंद्र पर निःशुल्क वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। इस समय किसानों के लिए कोहरा बहुत बड़ी चेतावनी बना हुआ है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। समय समय पर फसल की जांच करें और समय समय पर फसल को देखें कि उसमें फंगस तो नहीं लग गया, और उसी से संबंधित दवाइयों का भी छिड़काव कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर करना चाहिए। बिना कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अगर छिड़काव किया तो फसल खराब हो सकती है। जो हमारी फसलें हैं उनमें यदि हम उत्पादन की दृष्टि से या पौधे की वृद्धि की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो दोनों ही दृष्टि से कोहरा हमारी फसलों के लिए उतना ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। यदि मैं साइंटिफिकली बात करूं, वैज्ञानिक स्तर से बात करूं, तो कोहरा कहीं ना कहीं हमारी फसल की वृद्धि को प्रभावित करने का काम करता है, क्योंकि जो उसको सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, सोलर लाइट की आवश्यकता होती है, वो पौधों तक नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण से पौधे वहाँ पर क्लोरोफिल के माध्यम से भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि कम होती है और कहीं ना कहीं पौधे की बढ़वार उससे प्रभावित होनी प्रारंभ हो जाती है। यदि ज़्यादा लंबे समय तक कोहरे का प्रभाव बना रहता है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई फंगस की बीमारी भी वहाँ पर डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। जो पौधे की सेल्स होती है वो पौधे वहाँ पर सनलाइट न मिलने के कारण इनएक्टिव फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से वहाँ पर उनकी वृद्धि पुनः इसी प्रकार के लक्षण होंगे कि पौधा पीलापन लिए हुए होगा और वृद्धि उसकी कम हो जाएगी। तो इस दृष्टि से यदि हमारे खेतों में ज़्यादा लंबे समय तक कोहरा बना रहता है तो प्रयास करें अपने खेतों में हल्की सिंचाई अवश्य करते रहें, ताकि पौधे में एक निश्चित वातावरण, अनुकूल वातावरण, वो एक माइक्रो क्लाइमेट वहाँ पर डेवलप करके अपने आप को सर्वाइव करता रहे।